गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है, लास्ट टाइम हमने सेल के बारे में बात की थी, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो उससे कुछ जो ऑर्गेनल्स हैं उसको हम डीप में स्टडी करेंगे। तो उसके अंदर फर्स्ट ले रहे हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है उसका अगर इंट्रोडक्शन देखते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, अगर एनिमल सेल होती है तो उसके अंदर सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, अप्रोक्स स्फेरिकल शेप होती है उसकी, ठीक है, बाकी इसकी शेप वेरी करती है। तो मेनली जो एवरेज है वो स्फेरिकल शेप होता है ये, ठीक है। एनिमल सेल जो होती है उसके अंदर सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर वैक्यूल्स की वजह से, वैक्यूल्स के साइज बड़ा होने की वजह से इसके अंदर ये टुवर्ड्स द पेरिफेरी होता है, मतलब कि ये हमारे पास कोई भी प्लांट सेल है तो इसके अंदर टुवर्ड्स द पेरिफेरी होता है, मतलब सेंटर से प्लस आउटसाइड होता है। तो इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्या आता है कि न्यूक्लियस की अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था लीवेनहुक, इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था आरबीसीज के अंदर, जो कि आरबीसीज ऑफ फिश है, आरबीसीज ऑफ फिश जो है उसके अंदर इसने सबसे पहले देखा था न्यूक्लियस को। लेकिन इसकी जो कंप्लीट डिस्कवरी थी, कंप्लीट स्टडी थी, वो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1831 के अंदर इसको डिस्कवर किया था, सबसे पहले देखा था लीवेनहुक ने। और लेकिन इसकी जो कंप्लीट स्टडी है, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है, वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1831 के अंदर, ठीक है। और किसके अंदर की थी, जो ऑर्चिड एक प्लांट है उसकी जो रूट सेल है उसके अंदर इसको सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो ये न्यूक्लियस है इसकी अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो है वो जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है उन सब के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें आपको पता है कि फास्ट टाइप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स जितनी भी होती है उस सब के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है उसके अंदर कि जो मैच्योर आरबीसीज होती है, ठीक है, उसके अंदर ये एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा आरबीसीज के अलावा, लेकिन जो कैमल होता है और लामा जो है उसकी जो आरबीसीज होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये न्यूक्लियस है वो सी ट्यूब जो होती है, जो कि फ्लोएम सेल्स होती है, उसके अंदर भी ये एब्सेंट होता है, ठीक है। तो क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है वो जो मैच्योर आरबीसी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो, लेकिन जो मैच्योर आरबीसीज होती है उसके अंदर ये एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा कैमल है, जो लामा है उसकी जो आरबीसीज होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। सीव ट्यूब जो एलिमेंट है, जो फ्लोएम सेल्स का एक पार्ट होती है, जाइलम और फ्लोएम दो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर, तो उनकी जो सीव ट्यूब सेल्स होती है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर से अगर हम इसका न्यूक्लियस को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम इट डाई, ठीक है, मतलब कि वो जो ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जो सिंगल सेल का एक ऑर्गेनिज्म होता है यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब के अंदर से अगर हम न्यूक्लियस को निकाल देंगे तो कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इस न्यूक्लियस को हम डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल। ये डायरेक्टर ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी
बॉडी सॉरी जो सेल्स है उससे ना जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सब का कंट्रोलर सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सबको, इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल बोला जाता है। इसके बाद इसकी आता है इसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से होता है। ये इस टाइप से इसकी जो बाउंड्री होती है न्यूक्लियस की, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि जो न्यूक्लियस होता है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो इनर वॉल होती है इसको हम बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये जो पोर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो आउटर के अंदर क्या है इसकी जो एनवेलप है जिसको आप न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हो, तो उसके अंदर ये दो एनवेलप होती है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर उसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, तो उसके अंदर दो टाइप की मेम्ब्रेन होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है यूकैरियोटिक सेल्स का कि उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे के सारे लगभग डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसके भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, तो इसके अंदर जो इसकी जो आउटर और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। और उसके अंदर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो टाइप की मेम्ब्रेन होती है, दोनों की दोनों जो होती है ये लिविंग होती है, दूसरा सेमी परमेबल भी होती है, ये तीसरा ये प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है। तो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम ऐसे ही होती है लगभग जैसे जिस मटेरियल से बनी होती है, ये ऐसे ही होती है जैसे हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल की, एग्जैक्ट ऐसे ही। ठीक है, दोनों के अंदर ही होता है ये, प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी, लेकिन एक स्पेसिफिक फीचर जो है वो यही है इसका कि स्पेसिफिक फीचर जो है वो यही है इसका कि भाई इसकी पोजीशन जो होती है वो थोड़ी सी हटके होती है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी एनवेलप हो गई। इसके बाद क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर पावर होता है, ठीक है, इस टाइप से न्यूक्लियर पावर जो है ये न्यूक्लियर पावर जो है इसकी हेल्प से इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अगर उसका साइज 10 kb है, 10 किलो डेल्टा है उसका साइज, तो क्या है कि वो सिंपल डिफ्यूजन से भी पास हो सकता है थ्रू द पोर। तो ये जो पोर होता है इसके अंदर से इस टाइप साइज का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो इजीली पास आउट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या आती है कि ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर इसका खुद का अपना लिक्विड होता है और उस लिक्विड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हो आप, कैरियोप्लाज्म भी बोल सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड इनसाइड द न्यूक्लियस।
ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो लिक्विड होता है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। अब मेन बात आती है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो लिक्विड होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है। इस जो ये है इसकी मेंटेनेंस करने के लिए प्रोटीन्स भी होती है उसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है इसके अंदर कि एक राउंडेड सी स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, और इस राउंडेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियोलस होती है इसके अंदर मेनली क्या आता है कि 85% तो इसके अंदर प्रोटीन होती है, ठीक है। 10% इसके अंदर आरएनए होता है और 2-5% इसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। तो मेनली कंसिस्टेंट जो है वो यही होता है कि न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोटीन और आरएनए होता है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि इसके अंदर इस टाइप से क्रोमेटीन होता है, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटीन बोल रहे हैं। ये जो क्रोमेटीन होता है इस क्रोमेटीन के अंदर क्या आता है कि 64% तो इसके अंदर प्रोटीन होती है, और 31% इसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है, और कुछ 2-4% इसके अंदर आरएनए होता है, ठीक है। तो ये मेन कंसिस्टेंट्स होते हैं क्रोमेटिन के, ठीक है। इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स, और जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए होता है। ये आपको पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो डीएनए और आरएनए होता है। तो ये जो डीएनए है ये और जो आरएनए है ये दोनों के दोनों इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, जो और अदर ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अंदर भी होते हैं ये, ठीक है। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसका अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन मेनली जो अबेंडेंटली जो जहां पे पॉसिबिलिटी होती है फाइंडिंग की वो न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है। तो ये क्रोमेटीन जो है इसके अंदर क्या है, प्रोटीन 64%, डीएनए जो है वो 31%, और जो आरएनए है वो 2-4% होता है, ठीक है। अब मेन क्या आता है कि जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर कंसिस्टेंट्स क्या है कि 85% तो प्रोटीन होगी, और ये जो 10% है वो क्या होगा, आरएनए होगा, 2-5% इसके अंदर डीएनए होगा, ठीक है। एक बात याद रखना कि जो ये प्रोटीन्स होती है ये दो टाइप की प्रोटीन्स होती है, एक हिस्टोन प्रोटीन होती है और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वह अप्रोक्स इसके अंदर 28% के आसपास होती है, और वह हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है कि वो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो इस टाइप से, फॉर एग्जांपल ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इस पे जो ये डीएनए है इस टाइप से रैप्ड होता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसी वजह से ये जो डीएनए है इसके अंदर पैक्ड फॉर्म में होता है, इसको पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। इसके अलावा एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है इसके अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जो क्रोमेटीन होता है ये दो टाइप का होता है, जो क्रोमेटीन है यहाँ पे वो दो टाइप का होता है, एक होता है यू क्रोमेटीन एक होता है हिटरोक्रोमेटीन। यू क्रोमेटीन होता है लाइट स्टेंट, और ये होता है डार्क स्टेंट। मतलब क्या है कि रेड कलर के होते हैं वो, लेकिन जो लाइट स्टेन है लाइट कलर का होता है दिखने में,
उसको आप यूकैरियोट यूक्रोमेटिन बोलोगे, और जो डार्क कलर का होगा उसको आप हिटरोक्रोमेटिन बोलोगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है कि जो यूक्रोमेटिन और जो हिटरोक्रोमेटिन होते हैं, इसके अंदर जो यूक्रोमेटिन होता है ये ट्रू क्रोमेटिन होता है। ठीक है, जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन के लिए जो काफी मोस्ट एक्टिव जो होता है वो यू क्रोमेटिन होता है, ये लेस एक्टिव होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। तो ये थी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जो है इसके बाद हम बात करेंगे इसके फंक्शन की, ये जो न्यूक्लियस है उसके फंक्शन क्या है। ठीक है, तो एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, ये तो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है आउटर मेम्ब्रेन, और जो होता है उसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इसके बीच में जो स्पेस होता है ये वाला, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म या फिर कैरियो प्लाज्म भी बोल सकते हो आप। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है जिसके अंदर मेनली प्रोटीन और आरएनए होता है, कुछ परसेंट डीएनए भी होता है। ठीक है, क्रोमेटीन जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, तो क्रोमेटीन जो होता है उसके अंदर प्रोटीन डीएनए और आरएनए, और मेनली कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं प्रोटीन और डीएनए। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर डीएनए और आरएनए होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका फंक्शन क्या है। तो जो न्यूक्लियस का फंक्शन जो है उसके अंदर फर्स्ट आता है कि इट कंट्रोल आल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। ठीक है, कि जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन अगर हम सेल की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस जो परफॉर्म होती है किसी भी सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म जो होती है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा जो फंक्शन आता है हमारे पास, इसके पास डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंटल बॉडी टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इसके पास डीएनए और जो आरएनए होता है, आपकी हाइट क्या जाएगी, आपकी स्किन का कलर कैसा होगा, आपकी आईज का कलर कैसा होगा, आपके हेयर्स किस टाइप कर्लिंग होंगे, स्ट्रेट होंगे, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ये सारी डीएनए और आरएनए के अंदर होती है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है इसके ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड आता है इसमें कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल डिविजन में हेल्प करता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, कि सेल कोई भी होती है, ये कोई भी सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सेल न्यूक्लियस जो है जब तक ये न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा तब तक सेल का डिवीजन नहीं होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर तो ग्रोथ होती है। ठीक है, वो सेल डिवीजन की हेल्प से ही होती है, एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएंगी, दो से चार बनेंगे, आपकी बॉडी के अंदर जो मास है वो इंक्रीज होगा और आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जो ये न्यूक्लियोलस होता है, अभी जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर आरएनए प्लस प्रोटीन होती है मेन कंस्टिट्यूएंट जो है, तो ये जो आरएनए प्लस प्रोटीन जो है इसके अंदर जो आरआरएनए प्लस प्रोटीन होती है वो राइबोसोम्स के लिए राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कि जो राइबोसोम्स होता है वो भी आरआरएनए प्लस
प्रोटीन का ही बना होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोलस होता है इसके अंदर आरएनए प्लस प्रोटीन होती है, ठीक है, मेनली कंसिस्टेंट जो है, ठीक है। तो इसके अंदर जो राइबोसोम्स होता है जो प्रोटीन बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो रहता है उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि उसके अंदर भी आरआरएनए प्लस प्रोटीन होती है। एक बार आरएनए के बारे में देख लेते हैं कि जो आरएनए होता है वो तीन टाइप का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। इसको हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, आरआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है और इसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। इसको हम डीप में देखेंगे, आरएनए के बारे में जब पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये था हमारे पास फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे, आज के लिए।